अल्लाह व्यूअर्स मैं हूं आपका होस्ट अदनान शुएब और आज ब्राइट ऑल शेड्स ऑफ़ लाइफ में हमारे मेहमान हैं मज़र मुनीर जो कि एक जिनाउंड आर्किटेक्ट हैं और मज़र मुनीर आर्किटेक्ट के प्रिंसिपल आर्किटेक्ट भी है। कैसे है है? हैं कैसे हैं मज़र आप ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप खैरियत से अल्लाह का शुक्र थैंक्स फॉर बीइंग विद अस टुडे शुक्रिया आपका कि आपने हमें आज बड़ा अपना कीमती वक्त निकाला और दिया तो आज हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि आप मज़र मुनीर कौन है क्या करते हैं कैसे दिखते हैं जो बहुत सारे क्लाइंट्स या व्यूअर्स या यंग आर्किटेक्ट डिज़ाइनर्स और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये तो पता है कि जी मजर मुनीर एक आर्किटेक्ट हैं और माशाल्लाह उनका बड़ा नाम है लेकिन नो बडी नोज़ यू दैट वे तो आज हम चाहते हैं कि इन सब को पता लगे कि मज़र मुनीर असल में हैं कौन और करते क्या हैं uh, हैंक्चुअली हम, हम हमारी जो रेजिडेंस है वो मुगलपुरा से है और वहीं से मेरी स्कूलिंग है उसके बाद मेनली uh, ये है कि हमारा क्योंकि फैमिली बिजनेस ही कंस्ट्रक्शन है वाला साहब भी यही करते थे तो उसके साथ घर में शौक़ पैदा हुआ इवन मैं जब सेवन क्लास में पढ़ता था तो मुझे याद है उनके अबू के ऑफिस में तो मुझे ड्राफ्टिंग और चीज़ें वो ऑलमोस्ट सिक्सटी टू एटी परसेंट चीज़ें मुझे सब करनी आती थी क्योंकि स्टूडेंट्स आया करते थे वो लर्न कर रहे थे हम बैठे बैठे सीख गए तो वो एक बड़ा एडवांटेज होता है आपको अपने फैमिली से अगर चीज़ें मिलें तो इस तरीके से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और हम यहाँ तक पहुँचे स्कूल कॉलेज में साथ साथ चलता रहा बीच में ऑफ़ कोर्स एजुकेशन भी साथ चलती रही और फिर साथ, साथ ये चीज़ें भी चलती रहीं uh -huh. तो अबू ने फिर एक ज़माने में उन्होंने ऑफिस या कंस्ट्रक्शन का काम कम हो गया तो फिर उसको मैंने टेक ओवर करके प्रॉपर कंपनी को उस तरीके से रन किया uh -huh. तो कैसे इस फील्ड में कब पता लगा कि यार ये मैं आई कैन बी मैं ये कर सकता हूँ ये फीलिंग कब आई ये फीलिंग आई मैं पहले तो जॉब कर रहा था एक आर्किटेक्ट हैं राशिद खान साहब उनके पास तो उनके पास कुछ काम कम हो गया तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप अपना बिज़नेस करो शुरू में मैंने सोचा भाई हमें तो यहाँ कोई जानता नहीं है हमें कौन काम देगा तो उन्होंने काफ़ी मुझे मोटिवेट किया और उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरा ऑफिस यूज़ करें और आपको एक्सपेंसिस बेयर नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि हम सेल्फ मेड हैं जीरो से यहाँ पर आए हुए हैं तो बड़ा शुरू में बिज़नेस करते हुए एक झिझक होती है ना मेनली मेरी लाइफ में जो मेन रोल है वो राशिद खान साहब का उन्होंने हमें पुश किया और बिजनेस करने में इनक्रेज किया सपोर्ट किया तो मेरे ख़्याल से अगर मैं लाइफ में किसी को अपना मैंटोर या इसको देखूँ उस्ताद गए तो, तो वो राशिद खान साहब तो राशिद खान साहब अच्छा ये बताएं कि अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर ली ससा शुरू हो गया ये जो कित चार सौ पाँच सौ घर एक वक्त में करना एक आसान काम नहीं है मैनेज कैसे करते हैं इन सबको एक वक्त में हम लोग कर रहे थे देखें सारी चीज़ें बेस करती हैं आपकी टीम के ऊपर टीम स्ट्रॉन्ग है तो आप प्रोजेक्ट ज़्यादा कर सकते हैं जब टीम थोड़ी वीक हो जाती है तो फिर आप इतने प्रोजेक्ट या नहीं कर सकते तो एक ज़माने में हमारे पास बहुत अच्छी टीम थी हमने सब ने मिल बहुत अच्छा काम किया बहुत सारे कोलीग्स मेरे मार्केट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो टीम के ऊपर डिपेंड करता है अगर आपके पास टीम है आप एक हज़ार प्रोजेक्ट कर सकते हैं टीम नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं है तो इतना बिजी होने के बाद फैमिली लाइफ के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है भाभी हमारी वो गुस्से में रहती है हर वक्त इस चीज़ों के वे डेट फैमिली ऑफकोर्स सफ़र करती है लेकिन मैंने लास्ट पंद्रह साल तकरीबन बीस साल हो गए मेरे ख़्याल से करते हुए प्रैक्टिस तो अब आके थोड़ा फैमिली को टाइम ज़्यादा देना शुरू किया है क्योंकि आइडिया हुआ है कि टाइम काफ़ी गुजार लिया है ना तो अब जब आप एक एज में आते हो तो आपको लगता है कि आपके पास टाइम कम होना शुरू हो गया है तो फिर आप देखते हो कि यार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन चीज़ों से निकल के फैमिली को प्रॉपर टाइम दें बच्चों को टाइम दें वाइफ को पेरेंट्स को दोस्तों को इवन तो सम टाइम बिज़नेस में आप सब चीज़ें पीछे छोड़ जाते हो तो ये ऑलरेडी जो भी बंदा सक्सेसफुल होता है उनका सबका यही मसला होता है वो बिज़ी बहुत होते हैं बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़ जाते हैं जब होश आती है टाइम गुजरा बहुत गुजर गया होता है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी इसको पकड़ लिया जाए थोड़ा कंट्रोल कर लें और फैमिली के बारे में पता है कि माशा हाँ बच्चे मेरी उनसे बड़ा, बड़ा प्यार है और बेटियाँ आपको पता प्यारी प्यारी होती होती है तो, तो कोई है बच्चों को भी स्पीड में लाने का बेटियों को भी बेटियाँ उनको ओपन मैंने छोड़ा हुआ है कि वो करना चाहें दो का इंटरेस्ट है इसमें आर्किटेक्चर में और उनका वो बाई डिफॉल्ट उनका वो आर्किटेक्चर या आर्ट की स्किल्स बहुत अच्छी हैं लेकिन फिर भी मैंने कहा अगर आपका दिल है तो आप आओ अगर दिल नहीं है तो फिर जैसे आपका मूड है बस इतनी बिजी लाइफ है सुबह ऑफिस जाना और आना जिस कह रहे हैं कि आप कुछ टाइम निकला है फैमिली के सबक गुजारने का फैमिली के अलावा अपना वक्त और कैसे गुजारते हैं कोई हॉबीज़ हैं कोई स्पोर्ट्स है कि कुछ नहीं है <laughs> स्पोर्ट्स ना होने के बराबर हो गई है अभी दोस्त हैं उनके साथ मिलना जुलना डिनर गपशप क्योंकि स्पोर्ट्स के लिए भी आपको अच्छा खासा टाइम निकालना पड़ता है करनी चाहिए लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर पा रहा नहीं कर पा रहा अभी दोस्तों और फैमिली के लिए ही टाइम निकाला यही बड़ी बात है फिर इसके बाद कोशिश कर रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए भी तो अब तो भाभी बहुत खुश होंगी हाँ खुश है लेकिन वो ये होता है कि फिर आदत पड़ जाती है ना फिर आप ज़रा सा बाहर निकलो तो कहते किधर जा रहे हो अच्छा ये बताएं कि कोई काम के अलावा कोई हॉबीज़ ऐसी हों कुकिंग का शौक है या कुछ पेंटिंग का शौक है आर्टिस्ट आर्किटेक्ट तो क्या शौक है इस तरह के मुझे ट्रैवलिंग का शौक है घूमने फिरने का शौक है ऑलमोस्ट uh, uh, काफ़ी कंट्रीज़ दुनिया के देखे हैं स्टिल मुझे ट्रैवलिंग पसंद है कि लाइक टाकि मुझे बड़ा इंस्पायर करता है uh, वहाँ पर खाना बहुत अच्छा है वहाँ पर हिस्टोरिकल्स प्लेसिस ऐसी, ऐसी हैं मतलब बहुत मुझे टर्की में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है अगर आप पूरी दुनिया में बात करें ना टर्की है और फिर मक्का मदीना तो ऑफ़कोर्स हमारा है ही है वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा तो वही है उसके बाद अगर मुझे सबसे फिर अच्छी जगह अगर घूमने के लिए आते तो स्विट्ज़रलैंड बहुत अच्छा है वो आई लव के अगर वहाँ आप रह सकें तो कमाल जाए नहीं तो आपको वहाँ पे एक दस मरले का प्लॉट ले देते हैं वहाँ पे वो घर कुछ बना ले वहाँ प्लॉट से ज़्यादा तो खैर मुश्किल है बारह लेकिन जगह बहुत अच्छी जगह अच्छा ये मुझे बताएं कि घर की लाइफ और कारोबार की लाइफ में कितना कोई तसादुन है इन दोनों में आपस में नहीं बिल्कुल भी नहीं है बिकॉज वाइफ uh, मेरी बहुत उसने सपोर्ट किया है और हमेशा जो भी लोग काम कर रहे होते हैं वो डेफिनेटली घर से उनको सपोर्ट होती है तो वो फिर ना क्योंकि हमारे बिजनेस में आपको पता है ना देना राहत है फिर तो जब तक घर से सपोर्ट नहीं होगी आप परफॉर्म ही नहीं कर सकते नहीं तो हर वक्त आपको एक टेंशन, बढ़ देगी आपको अच्छा एक मैं एक वर्ड में क्यूँ मजर मुनीर आर्किटेक्ट तो मजर मुनीर एक कैसा आर्किटेक्ट है उसकी लाइन क्या है ईजी टू मॉडर्न आर्किटेक्चर रीजन टू मिक्स फ्यूजन आर्किटेक्चर क्या चीज़ है उसकी मुझे ज़्यादा मॉडर्न आर्किटेक्चर पसंद है और उसकी रीज़न क्या है रीज़न उसकी ये है कि वो लो मेंटेनेंस है मुझे लगता है क्लासिकल में थोड़ा हाई मेंटेनेंस है ऑफकोर्स वो एक बहुत क्योंकि आजकल बहुत क्लासिकल घर बन रहे हैं बल्कि अब दो कनाल से लेके चार कनाल से अब तो पांच मलक घर भी मैं क्लासिक क्लासिकल्स में देख रहा हूँ बना हुआ हुँ। चीज़ों हुँ। में यू नो मॉडर्न में ये है कि दोनों सेगमेंट्स में ही मार्केट में जो काम हुआ है वो ओवरडू हुआ है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना मिनिमलिस्टिक रख के हम चीज़ों को लेके चलें उतना ज़्यादा बेहतर है uh -huh. एक व्यूअर्स के लिए एक सवाल मैं करना चाहता हूँ कि घर अगर किसी किसी ने बनाना है तो उसके लिए क्या एडवाइजेज़ है हैं जो एक एज एन आर्किटेक्ट आप उसको करेंगे अगर उन्होंने घर बनाना है तो आर्किटेक्ट तो पहले ऑफ कोर्स जो भी उनको अपना थीम पसंद है उसके अकॉर्डिंगली आर्किटेक्ट को सेलेक्ट करें सम टाइम ये होता है हमारे पास कस्टमर्स आते हैं वो कहते हैं क्लासिकल घर कर दें तो मोस्टली तो कहते हैं जी मैं तो आज भी एक मेरी मीटिंग तो मैंने कहा मैं नहीं कर सकता ना आप मॉडर्न अगर कराना है तो मैं कर सकता हूँ तो वो हर एक आर्किटेक्ट का एक अपना स्टाइल है उसके अंदर क्लाइंट को देखना चाहिए कि उसको काम किसका अपील कर रहा है उसके पास जाए उससे काम कराए तो वो उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें बेहतर क्योंकि हमारे क्लाइंट्स की एक 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 माइंडसेट है कि अगर हमने एक आर्किटेक्ट हायर किए तो उससे हम कुछ भी करवा लें आई थिंक विच इज़ वेरी रॉन्ग नहीं वो नहीं हो सकता नहीं हो सकता नहीं हो सकता जैसे मैं क्लासिकल कर ही नहीं सकता ना नहीं। अब भाई मैं आज भी जैसे मीटिंग हुई तो मैंने उसको यही कहा कि अगर हमारी कंपनी हंड्रेड प्रोजेक्ट कर रही है तो बड़ी मुश्किल से दो हैं वो भी वो लोग हैं क्लाइंट्स हमारे जिन्होंने ज़बरदस्ती कहा कि कराना ही आपसे और 98 प्रोजेक्ट्स अगर मॉडर्न है तो वो फिर उसमें उसके अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंगलीँ तो उसका मतलब है कि एक तो अगर सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ द आर्किटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किस लाइंस पे काम करता है तब उसको आप हायर कर दो हिसाब से देखो मेनली यही होता है कि मुझे लगता है कि अगर क्लाइंट को अपनी रिक्वायरमेंट्स का ख़ुद नहीं आइडिया ना उसको चाहिए क्या तो कोई भी बंदा उसके लिए अच्छा काम नहीं कर सकता नहीं। शायद कैसे, वो कैसे कैसे क्लाइंट आते हैं मतलब जैसे अभी आप रिजेक्ट करते हो क्लाइंट को जी मैं ये काम नहीं कर सकता हाउ डू दे रिएक्ट टू दैट दे कम टू दैटमेक्ट्स देखिए प्रॉब्लम वहाँ आना शुरू होती है हमारे प्रोफेशन में जहाँ क्लाइंट क्लियर नहीं होता अपनी रिक्वायरमेंट्स में वो पहले किसी और तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट्स लेके आता है बाद में फिर उसमें वेरिएशन आ जाती हैं चेंजेस आ जाती हैं हम मैनेज करते रहते हैं लेकिन समाइम उसमें फिर इशूज़ आ जाते हैं एनी इंसिडेंट विद द क्लाइंट जिसको आपने कहा कि जी बस मैंने नहीं करना यह, ये ये मैं नहीं कर सकता आ, नहीं ऐसा बहुत कम होता है समटाइम mm -hmm. uh, उसमें हम जब क्लाइंट आते हैं शुरू में तो उनको यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप ट्रस्ट कर रहे हैं हमारे ऊपर तो फिर हमें काम करने दें mm -hmm. आपने ड्राइविंग सीट पे हमें बिठाया तो फिर उसको ड्राइव करने दें नॉर्मली ऐसा बहुत कम होता है ज़्यादातर क्लाइंट्स काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस करते हैं तो फिर इसलिए लेकिन जो भी क्लाइंट uh, मेरे अपने कैरियर में जिन लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया हमें काम करने का मौका दिया है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है से काम भी उससे बेहतर ही होता है हम उस पर और ज़्यादा जान लगा रहे होते हैं ना और सम टाइम जब क्लाइंट ख़ुद बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस कर रहा होता है तो हम कहते हैं अच्छा बताएं कैसे इसको मैनेज कर तो उसमें फिर रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं होते शायद उस क्लाइंट के लिए अच्छे होते हो लेकिन एज डिज़ाइनर हम जब प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं तो अपनी नज़र से देखते हैं फिर हमें लगता है कि यार नहीं इसमें कमियाँ रह गई हैं क्योंकि क्लाइंट की इंटरफेरेंस से ज़्यादा अच्छा बहुत सारे यंग आर्किटेक्ट्स और काफ़ी सीनियर आर्किटेक्ट्स भी द फॉलो यू मज़मीर को फॉलो भी करते हैं और जो मजमुनर की लाइन्स हैं उनको डार्ट भी करते हैं तो क्या ऐसा होता है कि आपको कुछ अच्छे पता डिज़ाइन चेंज करने पड़ते हैं बिकॉज बड़ी जल्दी कॉपीज़ हो रही होती हैं लोगों से एवरी ईयर अपग्रेडेशन आ रही है अब तो बहुत फास्ट हो गया है कॉम्पिटिशन नई जनरेशन भी काम कर रही है हम लोग भी एफर्ट कर रहे हैं तो एवरी ईयर डिज़ाइन में चेंज आ रहे इवन बल्कि समटाइम ये होता है कि हम लोग प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं हम कहते हैं इस साल का ये बेस्ट प्रोजेक्ट है ना इससे अच्छा अब तो हो ही नहीं सकता बट अगले साल फिर ये होता है आप नई चीज़ें कर रहे होते हो तो ये अल्लाह का निज़ाम है अगर चीज़ें रुक जाएँ तो फिर सारा सिस्टम ही रुक जाएगा तो अल्लाह चला रहा है क्योंकि तो मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि वही पत्थर वही लकड़ी वही मटेरियल हैं लेकिन उनको लगाने के और संवार के तरीके हर दौर में चेंज होते रहे एक्चुअली यू नो आजकल तो मटेरियल ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा है वुड का मार्बल के साथ मिक्सचर है और प्रोडक्ट्स तो वही हैं उनका यूज हर दिन चेंज हो रहा है पूरी इंडस्ट्री है पूरी दुनिया में उसमें बहुत आर एंड डी होती है हम लोग तो ज़्यादा इंस्प्रेशन से काम चलाते हैं लेकिन पूरी दुनिया में इस इसमें बहुत काम होता है जिनसे हम फ़ायदा उठाते हैं हम सब लोग अच्छा रंगों की दुनिया में थोड़ा सा आते हैं कि जब जिसने कहा मॉडर्न लाइन में आप काम करते हैं तो एक पैलेट होता है हर आर्किटेक्ट एक पैलेट है आपका भी एक पैलेट होगा तो पैलेट को यूज़ करना आसान काम नहीं है मुश्किल काम है तो व्हाट इज़ योर पैलेट फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम ये मैं जानना चाहूँगा देखिए मुझे जो कलर्स पसंद हैं ग्रे मुझे बहुत ज़्यादा मेरा फेवरेट कलर है इवन मोस्टली मेरे जो एक्सटीरियर हैं वो ग्रे फिनिश के अंदर ज़्यादा हैं और फिर उसके बाद अगर बात करें तो ब्लू कलर और दूसरा एक और चीज़ खैर है कि हर एक जगह के लिए एक अलग कलर है सपोज एक्सटीरियर है तो उसमें मेरे पास काफ़ी रेंज है एक्सटीरियर में ज़्यादा अगर ग्रे है इंटीरियर में आपके पास काफ़ी गुंजाइश होती है कि आप चीज़ों को तो colors मेरी कह रहा होता है प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट उसके अंदर बट योर फेवरेट कलर इज़ ग्रेक्चुन से अच्छा ये बताएँ कि जिस तरह हम कलर्स जब आप करते हैं घर को तो हाउ डू यू स्टार्ट डैट थेरापी मतलब एक घर आपने डिज़ाइन कर लिया कलर्स पहले ही सोचे होते हैं या जब डिज़ाइन कर उसके थ्रू एक फ़िलासफी बनाई होती है कलर्स की क्या करते हैं दोनों चीज़ें हो सकती हैं आप पहले से भी प्लानिंग कर सकते हैं लेकिन मेरे ख़्याल से ज़्यादा बेहतर यह है कि जब आप अपनी साइट को विज़िट करते हैं उसके इन्वामेंट में जब एक घर के आते हैं उसको फील करते हैं तो ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें जो डिज़ाइन के अंदर होती हैं एट साइड चेंज आ गई होती हैं लाइट लाइट आपकी किस जगह से कितनी आ रही है किस तरीके से है उसके अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को करें तो ज़्यादा बेहतर होता है mm -hmm. आप अगर खाली मैंने कुछ लोगों को देखा है जो सिर्फ ऑफिस में बैठ के काम करते हैं साइट्स विजिट ही नहीं करते हैं, देखते ही नहीं है तो प्रोजेक्ट एक बेबी की तरह होता है इसको टेक केयर करना पड़ता है इसको जाना पड़ता है देखना पड़ता है फिर जाके वो एक अच्छे रिज़ल्ट डिवेल्प होते हैं अदरवाइज़ फिर खैर हर बंदे की अपनी एक्सपर्टीज़ है अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है लेकिन मुझे मैं इंजॉय करता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा मेनली हमारा कंस्ट्रक्शन फैमिली बिजनेस है तो मुझे कंस्ट्रक्शन से बड़ा प्यार है आर्किटेक्चर से भी है लेकिन मैं साइट्स पे ना हमारे लिए मेरे लिए टेम्परेचर ही रखता है कि टेम्परेचर बाहर कितना है मुझे कंस्ट्रक्शन से प्यार प्रोजेक्ट एज बेबी एंड लाइट का कितना कमाल है एक घर के अंदर लाइट मेरे ख्याल से जी लाइट के बगैर तो कुछ भी नहीं है लाइट ही असल सारे रंग निकालती है आपके जो भी आपने चीज़ें यूज़ की होती हैं और मोस्टली हमारे यहाँ क्लाइंट्स जो हैं वो लाइट परचेज़ करते हुए बड़ी इकनॉमिकल लाइट की तरफ़ चले जाते हैं उसके लुमेंस पूरे नहीं हैं उसके बाद उसकी हीट टेंपरेचर ठीक नहीं है सो घर ख़राब हो जाता है लाइट का मेरे ख़्याल से रोल बहुत बड़ा रोल है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए क्वालिटी में भी और उसके एलिमेंट्स में भी और ऑल ओवर लाइट के ऊपर कंप्लीट लाइट जो एक है जो पूरा आपको जो चीज़ दे रही है उसको तो आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए ठीक है रंगों का क्या कहेंगे आपके कलर्स कितने इंपॉर्टेंट है लाइफ एक प्रोजेक्ट के लिए कलर्स तो बेसिकली लाइफ है ही कलरफुल अगर लाइफ में कलर ना हो तो फिर आप कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है तो कलर होने चाहिए मेरे होने बिल्कुल okay. होने कितना अर्सा हो गया मज़रा आप ये काम करते हुए मुझे तकरीबन मैंने 93 में एक ऑफिस ज्वाइन किया था शुरू में स्टार्टिंग में फिर उसके बाद 96 में मैं राशिद खान साहब के पास एज़ एम्प्लॉय काम किया और तकरीबन 2000 में फिर उन्होंने मुझे इनक्रेज किया तो मैं लास्ट कोई तकरीबन बीस इक्कीस साल बीस इक्कीस साल से मैं अपना बिजनेस घर कर चुके हैं अब तक मेरे ख्याल से टू से प्लस होंगे आई थिंक सो दो हजार घर तक हाँ, कर चुके हैं प्लस प्लस ही होंगे। प्लस ही होंगे होंगे इज़ अ बिग अचीवमेंट आई थिंक बिकॉज पिछले कुछ सालों में हम 400 हंड्रेड हाउसेज पर ईयर कर रहे थे uh -huh. अभी हम कोई तकरीबन सौ डेढ़ सौ घर कर रहे होते हैं तो वो एक टाइम पे बहुत ज्यादा थे तो अभी हमने क्वालिटी या टीम जब कम हुई है तो हमने अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए नंबर ऑफ प्रोजेक्ट बहरअल कोशिश करते हैं कि हंड्रेड प्लस ना आ जाए तो बेहतर है अच्छा विच इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इन आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर जो आपको पर्सनली पसंद हो जिस तरह इफ़ यू आस्ट मी एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर आई लव टू डिज़ाइन अ वॉशरूम ठीक है जी यहाँ किचन कह रहे सो वॉट इज़ योर इंस्परेशन देखें हमारी एक्सपर्टीज़ और हमने मार्केट में जो काम किया है उसमें भी बहरहाल बाथरूम्स का बहुत बड़ा रोल है और फिर हमने जब शुरू में घरों के अंदर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर कोट बनाने शुरू किए तो कुछ दोस्त हमारे कहते थे कि यार ये बाहर से घर जो है कमर्शियल लोग हो रही है क्या कर रहे हो ये क्या हो रहा है

इंटरनल टेरेस का कॉन्सेप्ट आया तो मेरे ख्याल कोई भी ऐसा आर्किटेक्ट नहीं है जो अब उसको फॉलो नहीं कर सब उसको फॉलो सब अब तो बल्कि हर घर में टेरेस आपका बहुत कम घर हैं जिनमें टेरेस टेरेस नहीं आपका बाहर फ्रंट पे लोगों ने रखा है अदरवाइज इंटरनल टेरेस ही है okay. अच्छा मगर आर्किटेक्चर के अंदर बहुत सारी मटेरियल्स uh, इंकॉपरेट हैं बहुत सारे लोग इसके साथ चल रहे होते हैं बहुत सारी लेबर के चल रही होती है बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो चल रही जिसमें लोकल और इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स आप एड प्लस माइनस कर रहे हो कितना रोल है लोकल इंडस्ट्री का जिस तरह हमारी लोकल इंडस्ट्री में पेंट हैं और अब तो टाइलें भी हैं और हार्डवेयर भी अब कुछ बन रहा है तो इसके बारे में क्या बताएंगे आप देखिए लोकल इंडस्ट्री ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है पिछले कुछ सालों में काफ़ी इन्वेस्टमेंट इन लोगों ने की है ए, लेकिन मेनली यही है कि उसमें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है जितना इन्वेस्ट करेंगे उतनी अच्छी प्रोडक्ट्स आएंगी उतना हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा तो उसके लिहाज से अगर ये लोग करें उसको री इन्वेस्ट करें अनफॉर्चुनेटली लोग प्रॉफिट निकालते हैं और और जगहों पे स्पेंडिंग कर देते हैं आपको तो पता है हम तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हम देखते हैं जो बंदा पैसे बनाता है वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देता है इधर प्लॉट ले लें इधर कर लें उनका वो ज़्यादा उस तरफ नहीं होता कि उसमें फ़र्दर री इन्वेस्ट करें नई चीज़ें लेके आएँ तो उसके लिए री इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है कितनी सपोर्ट है लोकल इंडस्ट्री से आपको प्रोजेक्ट्स में प्रोजेक्ट्स में सपोर्ट कुछ सेगमेंट्स में है लाइक पेंट है उसमें हमें ब्राइटो ने अच्छे पेंट देने शुरू कर दिए हैं जो हम ऑलरेडी इटालियन ब्रांड्स पहले यूज़ कर रहे थे मोरोलैस सेम है और ए, अभी रिसेंटली मैंने घर किया भी है तो उसमें बड़ी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं आई लाइक like और जो टाइल इंडस्ट्री हमारी है टाइल इंडस्ट्री में भी देखें ये एक पूरी दुनिया इस प्रोसेस से गुज़र के आई है अभी क्योंकि पाकिस्तान स्टार्ट ले रहा है तो उसमें चीज़ें बेहतर हो रही हैं लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ जो लोग हैं इन्वेस्टर हैं वो ज़्यादातर चाइनीज़ प्लांट ले आते हैं या उनके पास बजट इतना ज़्यादा नहीं है कि वो यूरोपियन मशीनें लगा सकें या उस लेवल की प्रोडक्ट्स बना सकें तो बहरहाल हमने स्टार्ट कर दिया हमारे मुल्क ने और आहिस्ता आहिस्ता आई होप ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी अच्छा मज़र ये बताएं मुझे कि बहुत सारे यंग अपकमिंग आर्किटेक्ट्स जो काम कर भी रहे हैं और जो बच्चे पढ़ रहे हैं uh, हमारे वक्तों में आपने बहुत मार खाई है और मार खा के एक प्रोसेस से निकल के आप 20-25 साल में यहाँ पे पहुँचे हैं बट जो यंग जनरेशन अब आ रही है उसके लिए ये पे और इंटरनेट ने बहुत आसानी कर दी टू तो गेट फैसिनेट और टू कॉपी तो थिंग्स बट हमारे वक्तों में ना ये पे थे और हम ना ऐसे की चीज़ें थी तो वॉट आर द टिप्स यू एडवाइस टू द यंग अपकमिंग आर्किटेक्ट्स एंड डिज़ाइनर्स कि वो इस प्रोसेस से गुजरें ताकि वो उस पोजीशन पे आएं ताकि काम की जो क्वालिटी है वो ख़राब तो कम अज़ कम उसमें ना हो देखें इसमें पिन ट्रस्ट के एडवांटेजेस भी हैं डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं कि लोगों की क्रिएटिविटी जो है वो बुरी तरह ख़राब हुई है फॉर एग्ज़ाम्पल आप हम सब गूगल यूज़ करते हैं मैप तो आपको कभी भी रस्ते याद नहीं होते जब आप डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी चीज़ पर तो फिर आपको अप, आपका अपना ब्रेन काम करना आहिस्ता आहिस्ता और स्लो हो जाता है ना तो अगर ज़्यादातर लोग सारे अभी तो बहुत खुश हैं कि आपको एक डाटा मिल गया आपने कॉपी किया और उसकी वाह हो गई लेकिन अल्टीमेटली आपने अपने अंदर का जो आर्टिस्ट था उसको किसी और काम पे लगा दिया तो मेरे ख़्याल से ये अगेन वही बात है कि आप शॉर्टकट पे गए हुए हैं अपनी मेहनत करें इंस्पिरेशन के लिए चीज़ें ज़रूर देखें और उसको डीटो कॉपी करना तो बहुत ही बुरी बात है नहीं करना चाहिए अपनी मेहनत करनी चाहिए वो अनफॉर्चुनेटली नए बच्चों में ये काफ़ी मसला है और उनको देखना पड़ेगा कि हमें अगर मज़र मुनीर यहाँ तक है तो वो 20 साल लगा के यहाँ तक है तो जब तक आप उस प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे आप मुश्किल रहेगा आप लोगों के लिए मज़र मेरे कैरियर के अंदर बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स आते हैं बड़े अजीब मगरीब से सवाल करते हैं आपसे यकिन करते होंगे कि जगह इतनी सी होती है और ख्वाहिश उसमें तो इतनी होती हैं तो बड़ा मुश्किल होता है उनको एजुकेट करना बताना कि ऐसा नहीं हो सकता इसमें ये हैं तो आपके साथ ऐसा कुछ ये तो रूटीन की बात अब <laughs> हो गई है कि लोग आते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स या ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होती हैं बहरहाल फिर भी हम कोशिश करते रहते हैं कि उसको पूरा करें उनकी रिक्वायरमेंट्स को समटाइम लोग आ जाते हैं कि उनका प्लॉट साइज़ सपोज़ मरला है तो उनकी रिक्वायरमेंट्स टू केनाल वाली होती हैं फिर उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है जी हम जहाँ रह रहे हैं यहाँ ये यह मसले हैं तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ चीज़ें नहीं हो सकती uh, दूसरा ये है कि हमारा जो यहाँ डिज़ाइन कल्चर है उसमें हमारे साइज़ बहुत बड़े हैं uh, मैं सपोज़ अभी दुबई में भी मेरी कंपनी काम कर रही है तो वहाँ पे हमने जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं फॉर एग्जांपल दुबई हिल्स में हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं टू केनाल का प्लॉट है उन्होंने जो बायलॉज दिए हैं वो सिक्स मीटर फोर साइड आपने ओपन छोड़ना है तो जो बिल्ट अप एरिया आया ग्राउंड फ्लोर का वो थर्टी थ्री हंड्रेड स्क्वायर फीट है हमारे एक केनाल के घर में ए, उसमें जो कवर्ड एरिया है वो ट्वेंटी एट हंड्रेड फीट तक गया होता है तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें अनबैलेंस हैं हमारे यहाँ हमें फ्रेंडली एनर्जी एफिशेंट हाउस बनाने चाहिए जो कॉम्पैक्ट साइज़ हो एनर्जी अभी भी बहुत एक्सपेंसिव है फ्यूचर में भी बहुत एक्सपेंसिव होगी और आप जितने भी नेचुरल वसाइल का ज़्या कर रहे हैं हम घर बना के लाइक like वाटर के लिहाज से आप देखें कि पानी की शॉर्टेज होती जा रही है और हम लोग पानी बेतहाशा ज़ाया कर रहे हैं इसी तरह एनर्जी के भी बेतहाशा ज़ाया कर रहे हैं इवन आप सोलर से भी कर रहे हैं लेकिन अगर आप अपने साइज़ को कॉम्पैक्ट करें विंडोज़ बड़ी करें और आप ज़्यादा अच्छा इंजॉय कर सकते हैं और अपने अलावा भी किसी को रहने के लिए उस प्लॉट में जगह दें परिंदों को दें दरख्तों को दें तो इंसान ने बहर हमने ये समझाया कि शायद ये प्लॉट अगर हमें मिला तो ये हमारे कब्जा कर लो और बना दो सब कुछ बना, बना दो अच्छा बहुत दफ़्फ़े ऐसा होता है कि हमारे आर्किटेक्चर पाकिस्तान के अंदर मुख्तफ एरियाज़ हैं और उन सबके बा लॉज डिफरेंट हैं डिफरेंट सोसाइटी टीचे के अपने बाय हैं एल डी के अपने बाव हैं और कभी कभार क्लाइंट्स आते हैं तो आपसे ऐसी ख्वाहिश करते हैं कि उनको बायलॉज का नहीं पता होता कि आप ऐसा नहीं कर सकते राइट तो वो भी मेरे ख़्याल से एक बड़ा इशू आता है घर डिज़ाइन करते हुए या वो भी आता है ऑफ कोर्स क्योंकि डीएचए में काफ़ी स्ट्रिक्ट बायलॉज हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो बुरे बायलॉज़ हैं वो बैरिया के हैं उसकी रीज़न ये है कि वो लोग बेसमेंट और ये बात मैं शायद इसलिए भी कर रहा हूँ कि अगर कोई सुनने वाला सुने तो उसको ख़्याल होना चाहिए कि इनको बेहतर करें चीज़ों को बिकॉज uh, अभी एक प्रोजेक्ट हमने सबमिट किया है तो उसमें बेसमेंट में वो कह रहे हैं जी टेन फीट से ज़्यादा हाइट नहीं होगी ना अगर आपके बीम ड्रॉप हो जाते हैं तो उसमें सीलिंग करके गुंजाइश जो है वो नाइन फ़ीट पे आ जाते हैं तो नाइन फीट में अगर आप अपना फ़ैन लगाएंगे तो वो तकरीबन बिल्कुल हाथ के साथ आपका आ जाता है तो कुछ एरियाज़ में कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं स्पेसिफिकली वो बहुत ज़्यादा उन्होंने थोड़ा कॉम्प्लिकेट किया हुआ चीज़ों को या उनको आइडिया नहीं है उससे क्लाइंट बहुत सफ़र कर रहा है एज आर्टिस्ट हम तो अब हमारे पास लोग आते हैं हम कहते हैं हमने वहाँ काम ही नहीं करना बाय फ्रीडम ही नहीं है बाय लॉस की तो अगर हमें फ़्रीडम मिलती है तो हम बहुत बेटर परफॉर्म कर सकते हैं इवन अगर डी भी और चीज़ें रिलैक्स करता है तो चीज़ें और सोसाइटी uh, हमारी जो है और बेहतर हो सकती है अच्छा आजकल जो कॉन्सेप्ट है लाइक like, पहले लाहौर यूँ फैल रहा था अब लाहौर शायद यूँ फैलना शुरू हो गया है हाई राइज बिल्डिंग्स बनना शुरू हो गए अगर देखें तो तो बीस पच्चीस तो मैंने नोट किए कुछ दिनों में कि टावर्स खड़े होना शुरू हो गए हैं उनके तो क्या कहते हैं इसके बारे में आर्किटेक्ट बिकॉज यू आर वेरी वेल एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड कि हम जो ये अब हायरेस्ट बिल्डिंग्स पे अपार्टमेंट्स पे जा रहे हैं ये कॉन्सेप्ट कैसा है और जा लिविंग जा, कैसी रहेगी अगर दे? आपके कंट्री में स्पेस बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो तो ऑफकोर्स आप ग्राउंड पे रहें और टू स्टोरी तक रहें तो घर बहुत अच्छे होते हैं लेकिन हमारे पास चॉइस ही नहीं है आपको वर्टिकल जाना ही जाना है और अगर आप वर्टिकल जाते हैं तो उसमें एक फॉर uh, एग्जांपल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कि जैसे फेस सिक्स है इसका कोई ब्लॉक है इसमें दो या तीन टावर्स बने और बाकी सारी लैंड ग्रीनरी हो आपकी आउटडोर एक्टिविटीज़ हो हमने ये जो अपनी अपनी मस्जिद बनाई हुई है या अपना घर है अपना गार्डन अपना लॉन है तो उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हुई हैं अगर कम्युनिटी लाइफस्टाइल की बात करें कि आप मिल के रहना इंसान ह्यूमन जो है वो सीखें और आप बाहर निकलें पार्कस हों फीमेल्स की रिस्पेक्ट हो बाकी चीज़ें हों तो लाइफ में बड़ी इम्प्रूवमेंट आएगी मुझे पर्सनली वर्टिकल बिल्डिंग्स का लाइफस्टाइल ज़्यादा अपील करता है बानबत के मैं एक अपना बड़ा घर बना के सिर्फ अपने लिए लॉन बना के बैठ जाऊँ तो उससे ओवरऑल कम्यूनिटी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती वो देखती है एक बंदा तो मज़े में बैठा है और हम लोग हर जगह प्रॉब्लम में हैं तो मेरे ख्याल से वर्टिकल हो लेकिन वर्टिकल के साथ आपका जो बाक़ी एरिया है उसको फिर यूज़ ना किया जाए उसको आप ग्रीनरी के लिए रखें और अगर ना आपने फिर बहुत ज़्यादा टावर बना दिए तो फिर वो इससे भी ज़्यादा वर्स सिचुएशन में आप चले जाएंगे तो इसका सिचुएशन है हमारी इस वक्त हमारी सिचुएशन तो सब लोग ये चाहते हैं जी मेरा घर मेरा लॉन कोई भी ये नहीं सोचता अगर आप देखें स्पेन हमने इकट्ठे भी ट्रेवल किया है तो वहाँ उन्होंने बिल्डिंग्स को तोड़ के पार्क्स बनाए हैं हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली होता है जो पार्क्स के प्लॉट रखे होते हैं उसके प्लाट पर उस प्लॉट बना देते दे दे हैं, दे हैं। <laughs> तो वो लोग उन्होंने गलत करके सीख लिया है हम अभी कर रहे हैं हमारा अभी लर्निंग प्रोसेस चल रहा है लेकिन अगर इस चीज़ को हम नहीं रोकेंगे जिस तरह सिटी को आप एक्सपैंड कर रहे हैं आप अपने इन्वामेंट पर हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी इन्वायरमेंट में आ गई है पिछले कुछ सालों में कि अगर आप इस रूम में भी एयर इंडेक्स देखें तो 175 80 आ रहा होगा अब अगर आप यूके की बात करें तो वहाँ एयर इंडेक्स वन होता है या इवन माइनस होता है इतनी क्लीन एयर होती है तो हम जिस इन्वायरमेंट में सांस ले रहे हैं हमारी लाइफ जो है वो कम होती जा रही है तो इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है काम करना जितनी भी आपकी प्रोडक्ट्स हैं इवन पेंट है जो भी आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी इन्वायरमेंट के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे पास नहीं है उसके साथ हमने बहुत ज़्यादा की है सब लोग अपनी गाड़ियों पे चल रहे हैं तो पोल्यूशन है। बहुत ज़्यादा हाँ। है पोलूशन फ्यूल पोल्यूशन है फिर हमारी एनर्जी क्राइसिस से पोलूशन एक है लेकिन इन एज मैं अगर देखूँ एज न्यूट्रल बात करूँ तो मुझे तो लगता है अगले पचास साल बाद अगर यहाँ पानी नहीं होगा वाटर टेबल नीचे चला गया है इन्वामेंट को हमने ख़राब कर दिया है तो आने वाली नस्लें यहाँ ज़िंदा कैसे रहेंगी ये बेसिक चीज़ है पानी आपको चाहिए उसका हम बेतहाशा ज़्याा करते हैं जैसे गाड़ियाँ आप देखें हम वॉश करें हम लोग घरों के बाहर ही अपने पूरे पूरे पोर्ट दोहरे होते हैं हाँ। पानी तो पोर्च पानी ज़ाया मतलब हर जगह ज़ाया करें इवन यू नो मैं जब एक बिजनेस हम लोग कर रहे थे तो हमने वाटर एफिशिएंट जो एक्पमेंट हैं उन पर बड़ा काम किया और टैंक्स इस तरह के वाटर एफिशेंट लेके आए डब्ल्यू में इवन जो हमारी नॉर्मल डब्ली थी पहले वो वन टाइम आप उसको ड्रेन करें तो 12 लीटर पानी या 16 लीटर पानी ड्रेन हो रहा था पीने का साफ़ पानी आप ज़ाया कर रहे थे अभी वो 6 लीटर पे आ गई हैं 3 लीटर पे आ गई हैं तो जितना भी आप अपने वाटर को सेव कर सकते हैं अपनी एयर क्वालिटी को सेव कर सकते हैं उसके लिए अगर हम उस तरह की चीज़ों को यूटिलाइज़ करें और उससे हमारी आने वाली नस्लों के लिए हमको छोड़ दें लेकिन जो हालात हैं उससे लगता नहीं है कि हम उनके लिए कुछ छोड़ छोड़ेंगे <laughs> अच्छा मज़र ये बताएँ जैसे हमारे माशे एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा है और जैसे आपने पोल्यूशन की बात भी की और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी हमारे अभी हम घर डिज़ाइन ही नहीं करते सस्टेनेबिलिटी इशूज़ के ऊपर ना लाइट के साथ ज़्यादा प्ले कर रहे हैं ना ग्रीन के साथ प्ले कर रहे हैं तो एक अच्छा घर बनाने के लिए हमने एनर्जी कैसे सेव करनी है उसके लिए क्या एडवाइस करेंगे आप यूज़ के लिए देखें एनर्जी अगर आपको सेव करनी है तो आपको एनर्जी एफिशिएंट घर बनाने पड़ेंगे उसके लिए आप अपनी वॉल्स को इंसोलेशन करेंगे अपनी रूफ़ को इंसोलेशन करेंगे उसके बाद आपकी जो विंडोज़ हैं वो प्रॉपर उनके ग्लास भी लोई ग्लास होने चाहिए लो एनर्जी ग्लास तकरीबन फोर्टी फाइव हीट रिफ्लैक्ट करता है तो आप ये सारे प्रोसेस फ़ॉलो करेंगे तब जाके आपके घर एनर्जी एफिशेंट बनेंगे क्योंकि पूरी दुनिया में विदाउट इंसोलेशन घर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इसको फॉलो किया ही नहीं गया इसलिए हमारे घरों का जो टम्परेचर है और वेदर के अगेंस्ट जा के हमने घर डिज़ाइन किए हैं ना सन एनालिसिस प्रॉपर किया है ना विंड डायरेक्शन को देखा है हमने ना हमने इंसोलेशन की है सो so, आम बंदे का जो घर रहने वाला है वो रहने के काबिल ही नहीं है आपने देखा है मोस्टली हमारे यहाँ जितने भी ज़्यादातर घर बने हैं उसमें फ़र्स्ट फ्लोर लिवेबल ही नहीं होता गर्मी गर्मी ही बहुत होती है उसकी मेन रीज़न ही ये है कि आपने जो स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट करने थे आपने साइज बड़ा बनाया और उस पर ज़्यादा पैसा स्पेंड कर दिया जो उसकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली अगर आप साइज़ और अपना बिल्टअप एरिया कम करें और वही पैसे सेव करके आप इंसॉलेशन में विंडोज़ में रूफ इंसोलेशन में स्पेंड करें तो आपकी लाइफ बड़ी कंफर्टेबल हो जाएगी आपका बिजली का बिल कम आएगा आप सोलर भी खैर यूज़ कर सकते हैं लेकिन इसके बावजूद इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हमने कम करनी है उसका एक ही सोलूशन है एरियाज़ को कम करें बड़े घरों को की तरफ ना जाएं स्टैंडर्ड साइजेस पे आएँ जितने आपको एक ज़रूरत है और उस पर आप अपनी सारी स्पेसिफिकेशन अप्लाई करें तो फिर एक अच्छा एनर्जी एफिशिएंट घर बन सकता है क्या फ्यूचर है आर्किटेक्चर का पाकिस्तान में आगे वे यू सी इन अदर टेन ईयर्स के आर्किटेक्चर कैसा होगा आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है पाकिस्तान में फर्दर और आ रही है जब से आपका वर्टिकल आप बिल्डिंग्स की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ के लोग पंजाब के लोगों के लिए तो ये एक नई चीज़ है कराची में तो बहुत देर से वर्टिकल बिल्डिंग्स बन रही हैं तो उसमें चेंजेस तो आ रही हैं और आई होप कि ये इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो करेगी और फ्यूचर में पाकिस्तान को आगे जाना है तो ये वर्टिकल हमें जाना ही पड़ेगा जाना ही पड़ेगा पड़े। गवर्नमेंट की क्या सपोर्ट रहती है हमें इन चीज़ों में गवर्नमेंट की अनफॉर्चुनेटली जो सपोर्ट होनी चाहिए वो नहीं होती फॉर एग्जांपल हम सबको जो प्रॉब्लम अभी राइट right नाउ आ रही है स्किल लेबर नहीं है mm -hmm. कोई भी अच्छे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं बनाए गए कि हम वहाँ लेबर की ट्रेनिंग हो और वो जाके एक माशरे में एक अच्छा रोल अदा कर सके। तो राइट right नाउ जो हमें सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी है ह्यूमन रिसोर्स की तो वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है स्किल नहीं है सो so, जब तक या तो उसके अल्टरनेट में एक्यूपमेंट आ जाएँ या फिर इन लोगों को जो हमारे लोग हैं इनकी ट्रेनिंग हो इंस्टीट्यूट्स बने उसमें अगर कुछ इदारे बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कारपेंटर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली जो हमारे मैसन हैं और पेंट करने वाले लोग हैं बाकी लोग मजदूर है इवन इन लोगों की बेसिक ट्रेनिंग कहीं भी नहीं है तो वो खुद साख्ता हैं सो चीज़ें चल रही हैं लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हैं अगर फ्यूचर में स्टेट ये काम करे कि लोगों को ट्रेन करे तो उससे मुल्क भी बहुत तरक्की करेगा सबका बहुत फ़ायदा होगा लेकिन प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी लोग इस पर काम कर रहे हैं जिस तरह मैं ब्राइटो की बात करूँ तो ब्राइटो का एक इन हाउस आर एंड डी डिपार्टमेंट जहाँ पर पेंटर्स को ट्रेन किया जाता है ताकि पेंट करना भी एक काम है बेसिकली बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे देखें ये लोग कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन उस स्केल पर अभी भी नहीं हो रहा पूरी दुनिया में इस पर बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग होती है क्योंकि अगर हमें आगे जाना है तो हमारे पास सपोर्टिव लोग होंगे जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स करेंगे अब डिज़ाइनर तो अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट कर रहा है डिज़ाइन लेकिन उसको एग्जीक्यूट किसने करना है लेबर ने वो है ही नहीं तो उस पर स्केल बहरल काफ़ी छोटा है ओके मोजे कमिंग बैक टू योर पर्सनल लाइफ बचपन में सब ने वालदाओं से मार भी खाई हुई वाले साहब से भी खाई हुई तो वट वॉज योर यूथ क्या होता था बचपन में बचपन में मैं बहुत शरारती था तो बल्कि एक जमाने में क्योंकि हम मुगलपुरा में रहते तो नहर में नहाने का बहुत शौक़ था तो अम्मी को बहुत गु़स्सा आया एक दिन ना वो बात मुझे खैर ज़िंदगी में आज तक नहीं भूली तो उन्होंने मेरे कपड़े उतारे और कपड़े उतार के मुझे गली में निकाल दिया था तो फिर गली में तो रौनक लगी होगी तो मैं आराम से एक वो नेबर्स का जो था ना उस दरवाजे के पास ऐसे करके बैठ गया खैर बाद में उन्होंने बुला लिया फिर बाइक चलाने का बहुत शौक़ होता था तो अब्बू से मार पड़ती थी हाँ तो इसके साथ जब आ, घर पे उस जमाने जिस ज़माने की मैं बात हुई उसकी चीज़ें बड़ी सिम्प्लीफाइड होती थी आजकल तो बड़ी चीज़ें अब हो गई हैं तो पराठे भी वालदा बना के खिलाती थी मेरा बच्चा है कहते खाना तो उनको हेल्प आउट करते थे फैमिली के साथ कुछ चीज़ों में हाँ मेरी ब, मदर आलू वाले पराठे बहुत अच्छे बनाती हैं और बचपन में उन्होंने हमें अपने साथ लगाना और उसको आलूओं को पीसने के लिए वो होता है उसको पंजाबी में तो मैं ख्याल चट्ट बटा कहता है तो वो तो? उसके, उसके अंदर उसको क्रश कर बॉयल आलू दे देने बॉयल आलू दे देने दे और उसको क्रश करके तो वो बना के उसकी तो फिर उसको बनाना तो बड़ा इन्जॉय किया बचपन में बल्कि मुझे जब मैं ग्रो कर रहा था तो हमारे घर में नॉर्मली मतलब मैंने दलिया नहीं कभी खाया था ना तो ऐसे ही एक शौक चढ़ा दलिया खाना है दलिया खाना है बाज़ार से लाया उसको बनाया खुद ही ट्राई की ना तो समाइम आपका बचपन बचपन बहुत अच्छा रहा मेरा बड़ा मैंने एंजॉय किया है हमारे ननियाल शादरा के थे फिर हमने वहाँ मकबरा जहाँगीज़ जाना वहाँ मतलब आम के बाग़ आते हैं जामन के बाग आते हैं दरख्तों पे चढ़ चढ़ तो तो के तोड़ जोड़ के खाए हो बहुत वो मतलब वो आज भी जो मेमोरीज हैं ना मेरी अपने बचपन की मैं समझता हूँ मैंने बड़ा ज़बरदस्त बचपन गुजारा है स्विमिंग के लिहाज से भले वो ठीक है हमने नहर में स्विमिंग की नहर में सीखी हुई सारा सारा दिन स्विम किया है और वैसे घूमने फिरने के लिहाज से बड़ा ज़बरदस्त मुझे मैं मिस करता हूँ बल्कि अगर मैं चूँकि मैं भी जहाँ रहता हूँ वो घर नहर के ऊपर डिजाइड करता है

लेकिन अभी तो उसको इन्होंने बिल्कुल ही बहुत ख़राब किया है, है। बल्कि ये हमारा बड़ा अच्छा असासा था अगर इसको अच्छा डेवलप करते और इसको जैसे बचपन में आपने तो देखा है नहर पे ईद मिलादुलनबी पे सजाना हाँ, या फोटीन अगस्त पे बोर्ड्स बना के लाइटें लगा के तो अगर इस तरह की एक्टिविटी हो जो हमने अपने बचपन में देखी है जो अब ख़त्म हो गई है मेरे ख्याल से तो बड़ी जबरदस्ती भी है वो है लेकिन छोटे छोटे लोकेलिटीज में ही है वो आ, भी लेकिन वो इवन ईद पे पहाड़ियां बनानी जी मिला बड़ा शौक होता था सारे खिलौने निकाल के लाने एक शबरात का इवेंट था फुलझड़ियां फुलझिया हमारे इवेंट्स बहुत अच्छे थे अनफॉर्चुनेटली नज़र ही लग गई है ना और उसके ऊपर फर्दर काम नहीं हुआ हम सब अपनी अपनी से निकाले उसके को बसंत का फेस्टिवल देख लिया वो भी खराब हुआ है क्योंकि जब से डोर आई दूसरी वाली और उसके लिए स्पेसिफिक जोन नहीं बने तो लोगों की जाने गई हैं तो खैर मैंने हमने तो छोड़ दिया हमने कहीं <laughs> नहीं। <laughs> ये हमारे बस से बाहर है ओके okay जिससे भी किसी को नुकसान होता है मेरे ख्याल से वो काम नहीं करना चाहिए अच्छा मज़र मतलब एक पर्सनल सा क्वेश्चन है छोटा सा जी बताएं कि मेरी जब घर में देखा कि बच्चे ने कमाई शुरू कर दी है तो उन्होंने मेरा ठग करके ब्याह करता दे नहीं कमाई या ये देखा कि बच्चा शरारती हो गया कमाई देखी सही है तो काम है आपने शुरू से घर से में ये सिलसिला था सारा तो कमाई के बाद घर वालों ने कहा जी दब कर दो कि मेरी तो शरारतों की वजह से उन्होंने मेरी अठारह साल की उम्र में पहली एंगेजमेंट कर दी थी वो अनफॉर्चुनेटली नहीं कामयाब हुई तो फिर मेरी पच्चीस साल की उम्र में शादी हो गई लेकिन अरेंज मैरिज थी ओके मैंने कोशिश बहुत की लव हो जाए लव हो जाए लेकिन वो पेरेंट्स नहीं मानते थे फिर मैंने भी हथियार डाल दिए मैंने कहा जो पेरेंट्स कहते हैं वही कहा हथियार डाल ही दिए फिर आप डाल दिए तो अलहमदिल्ला जो मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किया वो बहुत अच्छा है मुझे लगता है कि ये क्योंकि उसमें माँ बाप की दुआएँ आपके साथ शामिल होती हैं और उसके बहुत सारे एडवांटेज हैं शायद ज़िंदगी में इंसान अपने लिए जो फ़ैसले करता है उसको उस टाइम पर समझ नहीं होती तो अगर आप बड़ों के साथ लेके चलें और उसके साथ करें तो मैं खरबू अच्छा बरकत भी रहती है और ख़ैर भी रहती है बड़ों से बिल्कुल बिल्कुल मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि मेरी तो बेगम जब कुछ मसला करती है तो मैं चुप कर गए अम्मी आप लेके आई थी तो आप ही भूखते हैं एडवान है मज़ा थैंक यू वेरी मच फॉर बींग दस और आपने बड़े कीमती वक्त में से मैं अपना टाइम दिया और इनशाला मैं दुआ करता हूँ कि आपसे दोबारा मुलाकात हो इनशाला ज़रूर थैंक यू ब्राइटो और आपका भी बहुत शुक्रिया आपका व्यूअर्स फॉर विद बींगस ऑन टू नाइट्स और इन अगले एपिसोड में दोबारा मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ ने देंडन के अंदर भी काम किया होगा अगर बेसिक डिज़ाइन जो था वो एकजिप्शन जी टा था लेकिन उसकी फिर फर्दर हमने डिटेलिंग और सुपरियम सारी कॉन्टैक्ट मैने लोग आमतौर तो पर महसूस करते हैं क्योंकि वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो फ्रेश जो हैं बड़े गर्म हो जाती हैं तो वहाँ एक ख़ास पत्थर लगा हुआ है जो सफ़ेद कलर का है तो लोग ये समझते हैं कि उसके नीचे शायद वो, वो वाटर चैनल्स लगी हुई हैं